देव देहि पद शरणम श्रेयश रूप चरणों शरणम। पूजनीय माता और बंधुओं, अनादि काल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है, जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और रास्ता बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सन्यासी हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, इस रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है, समय कम लगता है। ऐसा साधक घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, और संसार की हर वस्तु का त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद साधना में लग जाता है, उसके सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति। सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। ऐसा साधक यदि सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पर सफलता प्राप्त न हो, टारगेट प्राप्त न हो। लेकिन मेरे कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते को अपना न ले, कूद न पड़े, इस रास्ते की कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है? शरीर से त्याग करना आसान, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। इस विषय पर अपने सदगुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद होया, जो मैं आपके सामने रखूंगा और रखता हूं। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे, रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा स्टेशन पर काफी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ। इत्तेफाक से परमात्मा की कृपा से जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें से सदगुरुदेव जी बैठे हुए थे। आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराज। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान सेवक के गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रश्न किया, वो ये था कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया? उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब संन्यास लिया तो गृहस्थी थे? बड़े सोच में पड़ गए। कुछ समय बाद उन्होंने उत्तर दिया, मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और दो बच्चे थे। बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने एक प्रश्न और करने की इच्छा प्रकट की और कहा कि अगर आप नाराज न हो तब ये प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं, क्योंकि प्रश्न कुछ टेढ़ा है और हो सकता है कि आपके दिल को दुख पहुंचे। महाराज जी चुप हो गए, ध्यान में चले गए। उसके बाद फिर दोबारा कहा कि अगर आप मुझे सांत्वना दें, आशीर्वाद दें कि इस प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तभी प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। महाराज जी चुप हो गए, ध्यान में चले गए। 10 मिनट बाद आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा सत्य यही है कि आज भी मुझे अपने बी बच्चों की याद आ जाती है, स्पेशली जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूं जहां के मैं रहने वाला हूं तो याद बिल्कुल ताजा हो जाती है कि मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। अब बच्चे बड़े हो गए, काम काज संभाल लिया और घर में कोई परेशानी नहीं, सब मस्त है। वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे कोई शक नहीं, क्योंकि संन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। संन्यास के अपने यम नियम है, ना उसकी कोई बीवी, ना बच्चा, ना खेत, ना मकान। शरीर से त्याग हो गया,
पर मन से त्याग करने में बहुत बड़ा समय लगता है। और दूसरी बात क्या है कि इस त्याग का बहुत बड़ा अहंकार होता है, जहां गेरुआ वस डाले अहंकार पैदा हो गया। बड़ा अहंकार होता है, हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाके कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए। कहते हैं उपाय कि परमात्मा को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा की से प्रार्थना करो, वही आपको सुख और शांति प्रदान करेगा आपके जीवन के अंदर। लेकिन हो नहीं पाता, जब नहीं हो पाता तो मजबूर होकर चले जाते हैं, कहते हैं कि महाराज बनता नहीं, तो कहते हैं भाई ये रास्ता आपका नहीं है, आप तो गृहस्थी हो, गृहस्थ को पालो, ये रास्ता आपके लिए नहीं है। तो संन्यासियों में शुरू शुरू में ये भावना पैदा हो जाती है कि हम सर्व साधारण मनुष्य से कुछ अलग है, सूक्ष्म अहंकार अंदर अंदर पैदा हो जाता है, जहां अहंकार है वहां परमात्मा ने। दूसरी बात क्या है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी ना किसी परेशानी में पड़कर संन्यास ले बैठते हैं, मन में वैराग पैदा हुआ, संन्यास ले लिया। संन्यास के अपने यम नियम है, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो बनता नहीं, जिनसे बनता है वे कठोरता से अपने मन को साधते हैं, इस अभ्यास में दबाव रहता है, सहज भाव नहीं है, दबाव है, और दबाव के कारण बहुत से रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाए। तो ऐसे महात्मा संसार में आते संसार की सेवा करने के लिए, जब दोबारा संसार में आए, संसारी लोगों से संपर्क हुआ, तो वही बात पैदा हुई। तो क्या है, ऐसे महात्मा संसार में आते हैं लेकिन उनके काम क्रोध, लोभ और अहंकार दब गए होते हैं प्रेशर से, ऐसा मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये संसार में आए वो क्रोध निकल के सामने आता है, और ऐसी ऐसी अनहोनी चीजें होती हैं जो हमने जिंदगी में कभी सोची भी नहीं। तो वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक काम क्रोध लोभ और अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है वो बड़े सॉफ्ट कॉर्नर्ड हो जाते, ये सारे काबू हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ और अहंकार उन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। ऐसा कोई उच्च कोटि का बरला होता जो ऐसा होता है संसार का बड़ा कल्याण करता है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही शामिल है, जैसे किसी स्प्रिंग को दबा कर रखें, जब तक दबाए हाथ से छूटा कहीं पर ही मार कर सकता, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, तो ये सारी प्रक्रिया साथ साथ सामने आ जाती है। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए, और खासकर उन लोगों को जिन्होंने ग्रस्त आश्रम में प्रवेश कर लिया, जो ग्रस्त आश्रम में आ गए उन्हें कभी सोचना भी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो ग्रस्त थे संसार छोड़ के चले गए और परमात्मा को प्राप्त किए, हजार पीछे 999 सफल होते हैं। ऐसे बहुत से केस हमारे सामने आए, सब में असफलता, घर छोड़ा, बच्चे छोड़े, बीबी छोड़ी, नौकरी छोड़ी, कुछ ना कर पाया, बर्बाद हो गया। ऐसी घटनाएं बहुत आई, ना इधर का रहा ना उधर का। तो जिन्होंने ग्रस्त आश्रम में प्रवेश कर लिया है उन्हें हजार बार सोचना चाहिए कि रास्ता उनके लिए नहीं है। और जिनका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा है उनकी बात अलग है। ऐसी हमारा धारणा हो गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं, सबकी धारणा यही है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं इस माया जाल से निकलने का, बहुतों की धारणा है। और बहुतों की धारणा है कि 58 साल 60 साल तक तो अपना काम करें, जब ग्रस्त के सारे काम पूरे हो जाएंगे, बच्चे हमारे लग जाएंगे, नौकरी लग जाएगी, बहुएं आ जाएंगी, तब हम परमात्मा का नाम लेंगे। 99% लोगों की भावना है कि गृहस्थ के सारे काम समाप्त होने के बाद अब जब तीसरी लाइफ में पहुंचेंगे तब परमात्मा का नाम लेंगे। पॉसिबल नहीं है, 58 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे,
रिटायर हो जाने पर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी हो जाती है कि अब तो आप घर पे रहते हो, घर का काम करो। तो ये क्योंकि हमने अपने आप को शुरू से इस रास्ते में नहीं डाला, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अगर शुरू से बचपन से हम इस रास्ते में लगे होते तो हमारे बच्चों की आदतें भी वैसी होती जैसी हमारी आदतें, परमात्मा की ओर झुकी होती। 58 साल तक तो हमने परमात्मा को याद नहीं किया, जिस माहौल में बच्चों को पाला उसके बाद 10 साल 15 साल 20 साल आप उनकी आदतों को चेंज नहीं कर सकते किसी भी आदत। इसलिए बहुत सोच समझकर कदम रखना चाहिए संसार के अंदर, गृहस्थ के अंदर। आप अपने घर के मालिक हैं, अपने घर के राजा हैं। आपके घर में जितने लोग हैं वो सब आपके अधीन हैं, और अपने आराम से जो आप करेंगे आपके बच्चे उसका रिटर्न आपको देंगे। बहुत जरूरी है, बड़ी गलत है अधिकतर लोगों की भावना कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे परमात्मा का नाम लेके, नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा और अभी बनेगा। आपने गृहस्थियों का रास्ता भी सुना होगा, बहुत पुराना रास्ता है। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा, राजा जनक को विदेह कहते थे। इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ कि उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था और राज का कितना कार्यभार उसके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी, पूरा हिंदुस्तान का राज उसके पास था, कितनी प्रॉब्लम थी उनके पास। उन सब प्रॉब्लम के होते हुए एक राजा इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो हम आप क्यों नहीं हो सकते, जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने, इसे कहते हैं इतिमार। इस रास्ते में जैसे भाई साहब ने बताया, इस रास्ते में अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हुए परमात्मा का नाम, घटाते कुछ नहीं, नेति नहीं करते, जोड़ते हैं परमात्मा के नाम। जैसे आज आपकी जिंदगी चल रही है, भगवान का नाम और परमात्मा का नाम ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में ली जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है, गलत चीजें अपने आप निकलती चली जाएंगी। क्या है, जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं, लाइट आई अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते इतने ऊंचे महर्षि हो गए कि रामायण पहले लिख दी घटना बाद में घटी, लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा का वैसा हुआ, हूबहू वैसा का वैसा हुआ। ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है, अगर सच्चे हृदय से तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को आप अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है, जो आज आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए एक के पीछे एक, उन्होंने ब्रह्म विद्या पाने के लिए बड़े कष्ट उठाए और परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर में थी और इस विद्या को ना केवल प्राप्त किया बल्कि हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए, लिख गए कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अगर आपको किताबी ज्ञान लेना है तो गीता पढ़िए, अगर पक्का करना है तो ध्यान योग में जाइए। जीवन मुक्त अवस्था किसी भी तरीके से क्यों ना प्राप्त करें, ग्रस से, सन्यास से, कर्म से, ध्यान से। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है, पहला निरंतर परमात्मा की याद, चलते फिरते खाते पीते सोते जागते परमात्मा का हर काम करते ग्रस्त का परमात्मा की याद, और दूसरा क्या है, उसके जो कर्म है वो निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है, आई रहता ही नहीं। दो बातें उसे स्त्री पिक कहिए या जीवन मुक्त कहिए में पैदा हो जाती हैं। अब देखना ये है,
कि इसी दुनिया में रहते हुए इसी संसार के सब काम जैसे आज कर रहे हैं इससे अच्छे करते हुए कैसे हमें 24 घंटे का ध्यान बने। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुड़ छोड़ जाता है। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुड़ छोड़ जाता है, उसको अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। एक डॉक्टर है, अपने क्लिनिक को चलाने के लिए अपने बच्चों को गुड़ छोड़ जाता है। इसी तरह हमारे रास्ते के जो संत महात्मा हुए कुछ गुड़ छोड़ गए कि कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे आसानी से निष्काम कर्मता प्राप्त कर। इन गुरुओं को मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगें तो अपनाएं, अपनाएंगे तो आपको इससे विशेष लाभ होगा। इन सत महात्माओं ने इस 24 घंटों को 8-8 घंटे के हिसाब से बांटा और इस पूरे साधन को 3 भागों में डिवाइड किया। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। अभी आपके अपने नहीं है, आपके अपने होंगे। जो काम ही करेंगे पूजा पाठ का वो अपने लिए करेंगे पहले, उसके बाद दूसरों को फायदा होगा उससे। पहले अपना फायदा फिर दूसरों का फायदा। 8-8 घंटे से दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से 24 के 24 घंटे परमात्मा की याद में व्यतीत होने शुरू होंगे और सच्ची निष्काम कर्मता आपको प्राप्त होगी ग्रस्त के अंदर रहते हुए। अभी क्या है, इन संतों ने बताया कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये सबसे बड़ी देन है, जो मैंने आपको पहले भी बहुत डिटेल में बताया कि कैसे परमात्मा ने हमें जीवन दिया और इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें कर्म करने की स्वाधीनता दी है, बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर हमको ईश्वर ने मौका दिया और इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ऐसी मनुष्य योनि जो बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि ये मनुष्य योनि एक साधन का क्षेत्र और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। हम चाहें प्रतिशील हों तो उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सभी ने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीर दास जी ने कहा, कबीरा हर की भक्ति कर तर जिया रस चौच, बार बार नहीं पाई है मानस जन्म की मौज। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब ने फिर कर ले हर सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर में परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षि ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी या स्वामी, आधा घंटा हमको संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए प्रातःकाल और सायंकाल। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।